अच्छी वीडियो में क्या देखेंगे। एक कस्टमर है हमारे आज, तो उन्होंने आज बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बोला कि उसमें एक वीडियो बना देते ताकि उनके भी काम आए बाद में, और बाद में मैं ये वीडियो किसी और को भी कस्टमर्स को शेयर कर पाऊँगा। तो उनका ये क्वेश्चन था कि भाई मैंने आपसे जो कांपा बेबी लिया वो बड़ा हो गया एंड इट इज़ इन वेरी हेल्दी कंडीशन, अच्छा बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए टैंक मेरे को बड़ा करना था एंड एक ऐसा टैंक बनाना है जो उसके पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए वो रहे, मतलब बड़ा अच्छा टैंक बनाना है। उनके पास स्पेस अच्छा था काफ़ी, ठीक है। तो मैंने उनको वही हमेशा देखो, एक जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्लावर ऑन या कांपा, जो मैंने आज तक सबसे बड़ा फ्लावर ऑन देखा है, मैंने 10 इंच या 12 इंच का भी मेल देखा हुआ है बड़ा बड़ा फ्लावर ऑन। तो देखो अभी ये जो है ना, ये टैंक दिख रहा है, ये 3 फीट का टैंक है, ठीक है। अभी तो पार्टीशन मार के शायद छोटा लगता होगा, लेकिन ये प्रॉपर 3 फीट का टैंक है, मतलब 36 इंच का टैंक है ये ऐसे में, ठीक है। हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास जगह है बना रहे हो टैंक बड़ा, तो एक ही बार 3 फीट का टैंक बनाओ। एंड हाइट जो होगा ना, हाइट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, मतलब फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर ऑन या फिर कांपा जो भी आप ग्रूम कर रहे हो उसके लिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट जो होगा ना वो 18 इंच का होगा, ये 18 इंच का हाइट है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से आगे से पीछे तक 15 इंच का होगा, तो इनफ है। 15 इंच के ऊपर रख सकते हो, लेकिन 15 इंच के नीचे मत रखो, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 फीट हाइट 18 एंड 15 इंच, ठीक है, आगे से पीछे तक 15 इंच। तो उसके बाद ये टैंक सेटअप में एक स्पॉन्ज फिल्टर लगाओ। स्पॉन्ज फिल्टर कैसा हो गया, मैं स्पॉन्ज फिल्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ आपको, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट का, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो एक, या फिर आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। मैंने तो ये एडस्टोन लगाया क्योंकि मैं तो डेली वो पानी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे फिश है एक ही टैंक में, तो मेरे को वो रोज़ का 10% पानी निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप करोगे टैंक, अगर आप एक फिश पाल रहे हो 3 फीट के टैंक में, ठीक है, तो आप शायद एक हफ्ते में एक बार पानी चेंज करो, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, बहुत होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा स्पॉन्ज फिल्टर, काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन होता है कि स्पॉन्ज फिल्टर अच्छा नहीं होता, मतलब पावर फिल्टर बहुत काम करता है या फिर टॉप फिल्टर जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्ज फिल्टर बहुत बेसिक में काम करता है, मेन बात, ठीक है। स्पॉन्ज फिल्टर जो होता है ना आपका, वो एकदम बेसिक में काम करता है। बेसिक में कैसे बताओ, पानी में ना एक चीज़ हमेशा ना, अगर आप बहुत दिन तक पानी चेंज नहीं करोगे ना, अमोनिया बढ़ता है, अमोनिया, ठीक है। आप देखे रहोगे अच्छा खाना पीना खा रहा है आपका मच्छर, अचानक स्ट्रेस में जा रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो हो सकता है कि पानी में ना कुछ पॉइजन जमा हो गया रहेगा, वो पॉइजन अमोनिया होता है, ठीक है। आपका पावर फिल्टर और ना टॉप फिल्टर, वो अमोनिया में काम नहीं कर पाता, लेकिन आपका जो स्पॉन्ज फिल्टर है ना, वो अमोनिया को पकड़ के रखता है। अगर आप 2 दिन में स्पॉन्ज फिल्टर को निकाल के साफ़ करोगे ना पूरा अच्छे से, एकदम ब्राउन कलर का निकलेगा गंदगी एकदम से, तो वो अमोनिया होता है हमेशा। स्पॉन्ज फिल्टर ना उसको पकड़ के रखता है हमेशा, तो हमेशा टैंक में स्पॉन्ज फिल्टर विल बी वेरी गुड, ठीक है। टैंक में अगर स्पॉन्ज फिल्टर लगा रहे हो तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर 2 स्पॉन्ज फिल्टर बड़ा टैंक है, जैसे कि ये 3 फीट का टैंक है, तो यहाँ पे एक स्पॉन्ज, यहाँ पे एक स्पॉन्ज, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पानी जब आप चेंज कर रहे हो आपके टैंक का, मैं तो रोज़ चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि एक ही टैंक में काफ़ी सारे फिश है, राइट। लेकिन आप जब भी करोगे तो हमें कभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी 10-20% मैक्सिमम एकदम से 20%, अगर ये टैंक का मैं हिसाब लूँगा ना, तो ये 20% होगा इतना, ठीक है। इतना पानी बॉटम से निकालना है, जहाँ पे गंदगी जमा होती है ना आपके, तो पाइप से जब आप निकालोगे ना, एकदम बॉटम से आपको निकालना है साइफनिंग मार के, ठीक है। तो देखो, ये सब जो गंदगी है जमा होगी यहाँ पे, तो आप बॉटम से 20% निकालोगे और 20% वापस से फिल करोगे, वो भी हफ्ते में एक ही दिन चेंज करोगे। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आप निकालते हो, आपका जो फिश है ना रेगुलर वो पानी में सेट हो, नया पानी आपने ऐड किया, फिर आपका फिश क्या करेगा, वो पानी में अडाप्ट करने के लिए 1-2 दिन लेगा, ठीक है। फिर आपने वो जैसे वो फिश जो है उस पानी में जैसे अडाप्ट कर लेता है, फिर आप उसको वापस से अगले हफ्ते वापस से पूरा चेंज कर दोगे। इससे क्या होगा ना, फिश ना अडाप्ट करते रह जाएगी और उसके पूरे पोटेंशियल में आ ही नहीं पाएगी। फिर आप बोलोगे कलर नहीं आ रहा है, हेड नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो इसलिए ना पानी जितना होगा उतना पुराना गंदा हो रहा है, होने दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन महीने में अगर रखता है बहुत गंदा हो गया तो एक बार 50% पानी निकालो मैक्सिमम, 50%, उसके ऊपर नहीं, ठीक है, लेकिन 20% वीकली, 25% वो बहुत है एक काम फायर फ्लावरन के लिए, अगर आप एक टैंक रख रहे हो तो। ये टैंक का मैं बता रहा था आपको, अगर ये टैंक में 25% बोलूँगा तो इतना होगा, ठीक है, इतना एक जजमेंट होता है, ऐसा नहीं कि मेजरमेंट टेप लेके नापूंगा अभी, इतना 25% मैं इतना ही निकालता हूँ हमेशा, आज ही मैंने क्लीन किया लेकिन उससे पहले गंदा हो गया अभी वापस से, ठीक है। तो ध्यान रखो पानी कभी भी पूरा चेंज नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड जैसे कि ये टैंक बना है, देखो बैकग्राउंड वाइट है, सब जगह से वाइट होगा, ये यहाँ भी वाइट है, आगे पीछे भी वाइट है, राइट भी वाइट है, ये बेसिक इसका टैंक का बेस भी वाइट है। वाइट बहुत अच्छा होता है, आपका फिश अगर जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, वाइट आप रख सकते हो, ब्लू बैकग्राउंड रख सकते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। ये मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा बना सकते हो अगर एक सिंगल फिश आप छोड़ रहे हो तो, ये बहुत प्रॉपर टैंक है। ये मैंने घर के लिए बनाया था लेकिन अभी जगह नहीं है, इसके लिए मैंने पार्टीशन डाल दिया इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा आप एक टैंक तो हो गया, साइज़ बता दिया मैंने आपको, स्पॉन्ज फिल्टर मैंने ऐड करने बोल दिया आपको, इसके अलावा बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये बहुत एक बेसिक टैंक सेटअप है आपके कांफा या फिर आपके फ्लावरन के लिए, ये कोई भी फ्लावरन डालो, कोई भी कांफा डालो, उनके लाइफ लॉन्ग के लिए ये सेटअप बहुत इनफ है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, मुंबई से काफ़ी लोगों का मतलब कॉन्टैक्ट कॉल कर रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई बेबीज चाहिए, मेरे को डिलीवरी करोगे क्या वी फास्ट। मैं क्या बोलता हूँ, मुंबई में मेरा लोकेशन है चेंबूर मुंबई कैंप, ठीक है, कैंप में रहता हूँ, कैंप के थोड़ा आगे। आप मुंबई में अगर हो किधर भी, डायरेक्ट आओ, बेबीज अपने हाथ से देखो, सेलेक्ट करो, लेके जाओ, ठीक है। वी फास्ट मत करो, क्योंकि आप जब आके देखोगे ना, अपने हाथ से सेलेक्ट करके लेके जाओगे तो एक वैल्यू बढ़ जाता है उस चीज़ का, राइट। अगर आपको कभी भी आने का टाइम हो तो मेरे को एक बार कॉल कर देना, मैंने स्क्रीन पे कॉलिंग का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद आके सेलेक्ट कर सकते हो, सामने देख सकते हो कि फ़िश कैसा है, क्या है, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट करो मेरे को सामने आके, एंड जब भी आपको आना है मेरे को बता दो, मैं आपको दिखा दूँगा, एंड आप सेलेक्ट करके फ़िश लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और व्हाट्सएप मी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। थैंक यू।